हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुनाफ बलोच, मैं एक सोशल वर्कर हूँ और इस वक्त मैं मीरा भाईंदर और वसई विरार के आयुक्तालय यानी कमिश्नर ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ। मैं एक हादसा जो मेरे साथ कल रात 24 जुलाई रात 12:15 हुआ सोशल मीडिया के माध्यम से वो आप लोगों के सामने मैं शेयर करना चाहता हूँ और उसी की कंप्लेंट करने के लिए आज मैं साइबर क्राइम में आया था। मैं चाहता हूँ कि ये हादसा किसी और के साथ ना हो और आप लोग भी इस हादसे से सतर्क रहें। हादसा ये था कि कल मैं अपने घर में 12:15 रात को अपने परिवार के साथ बैठा था, मुझे अचानक एक दो बार वीडियो कॉल आया व्हाट्सएप के ऊपर, तो मैंने उसको एक दो बार मैं फोन उठाया नहीं, लेकिन जब तीसरी बार कॉल आया तो मैंने उस कॉल को उठाया और जैसे ही मैंने उठाया तो सामने स्क्रीन के ऊपर एक लेडी थी जो जिसका स्टेटस जो था वो लड़की का था और उसके अलावा जैसे ही स्क्रीन ऑन हो गया वो सामने एक न्यूड लड़की सामने आ गई और मैंने उसी को देखकर ये स्क्रीन को मैंने बंद कर दिया। जैसे स्क्रीन बंद करके मैंने उस नंबर को पूछा कि हु इज़ दिस, तो उसने ऐसा कहा कि आई वॉन्ट टू मेक फ्रेंडशिप विथ यू, तो मैंने बोला आई एम नॉट इंटरेस्टेड और मैंने उस नंबर को ब्लॉक कर दिया। थोड़ी देर में 2 या 3 मिनट के बाद मेरा वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो था उसने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके उसके साथ एक अलग वीडियो मर्ज किया जो सामने एक न्यूड लड़के का था, यानी कि नंगे लड़के की वीडियो थी, वो मेरे वीडियो को मेरे फेस को और उसको मर्ज कर दिया और कहा कि ये आप लोगों ये मैं अभी फेसबुक पे और यूट्यूब पे इसको वायरल कर रहा हूँ। तो मैंने कहा आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने उसको मैसेज में किया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप मुझे ब्लैकमेल क्यों कर रहे हो, तो उसने कहा कि मुझे आप 7,000 रुपये अकाउंट में डालिए। मैंने कहा मैं कोई पैसा डालूंगा नहीं, मैं आपकी कंप्लेंट करूंगा, तो बोला नहीं मैं आपके फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर जितने भी आप सोशल मीडिया पे यूट्यूब के ऊपर मैं आपको अपलोड करता हूँ आपके फ्रेंड्स लोगों को, उसने मेरे फ्रेंड लिस्ट के जितने भी प्रोफाइल थे सबके फोटो मुझे भेजना चालू किए स्क्रीनशॉट के जरिए और बता रहे कि मैं इसको अभी सबको मैं टैग कर रहा हूँ आप जल्दी पैसे भेजो। मैंने उनको कुछ रिस्पांस नहीं दिया, मैंने कहा मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगा, मुझे इस तरह का ब्लैकमेल नहीं करना और मैंने उसको रिस्पांस देना बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद उसने मेरे जितने भी फेसबुक के कॉन्टैक्ट थे उसका स्क्रीनशॉट उसके नाम निकालकर मुझे भेजना चालू कर दिया और यूट्यूब पे अपलोडिंग का एक वीडियो के अपलोड हो रहा है फौरन आप जल्दी से पैसा भेज रहे हो यस और नो का, मैंने उसको बिल्कुल रिस्पांस नहीं दिया और मैंने ये हादसा मेरे घर वालों को कहा और जहां जहां मेरे दोस्त लोगों को मैंने जिसका उसने मुझे फोटो भेजी थी मैंने उसको कहा कि कोई वीडियो आया क्या, उन्होंने कहा वीडियो तो नहीं आया लेकिन इस तरह के हादसे हर जगह पर स्कैम चल रहा है। मैंने इसकी रिपोर्ट कल विरार पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई लिखित में, उन्होंने कहा कि ये साइबर क्राइम का मैटर है आप साइबर क्राइम में जाइए, तो मैंने इस वक्त अभी साइबर क्राइम में मेरी मैंने लिखित कंप्लेंट दे दिया हूं और साइबर क्राइम के ऑफिसरों ने भी ये कहा कि ये सुबह से ये 5वां केस है और भी इस तरह के केसेस बहुत बढ़ गए हैं, तो आप लोग भी सतर्क रहिए और भी आप लोगों को और 4-5 दिन आपको कॉल आएंगे सीबीआई के नाम से इन्वेस्टिगेशन के नाम से, आप उस पर बिल्कुल भी रिस्पांस मत देना और आप ये कह देना कि आपने साइबर क्राइम में इसकी शिकायत दर्ज कर दी है। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि कोई भी अननोन कॉल आप लोग मत उठाइए, चाहे वो वीडियो कॉल हो चाहे वो फेसबुक के जरिए फ्रेंड रिक्वेस्ट होती है नेहा शर्मा रिया शर्मा फलाने फलाने नाम से, ऐसे कॉमन जो नेम्स होते हैं फेमस नेम से और लड़की का प्रोफाइल होगा आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा जाएगा, ये आप मत कीजिए, ये बहुत ही बड़ा स्कैम चल रहा है, तो आप उस पर एकदम सतर्क रहिए और अपने घर में अपने बच्चों को कॉलेज स्टूडेंट को सबको ये कहिए कि ये फ्रेंड रिक्वेस्ट जो आता है उनको बिल्कुल भी आप रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट मत कीजिए और उनको ब्लॉक कर दीजिए। मैं एज ए सोशल वर्कर मेरा ये मुझ पर ये जब बीती तो मेरा कर्तव्य था कि ये मैं इस हादसे को अपने तक न रखते हुए ये लोगों तक पहुंचाना मेरा फर्ज था ताकि ये और कोई इसका शिकार ना हो, मैं तो यहां तक पहुंच गया। अगर आपके साथ भी अगर ये हादसा हुआ है तो आप भी इसकी रिपोर्ट साइबर क्राइम में जाइए, नेट के ऊपर उसका पूरा साइट अवेलेबल है, वहां जाकर आप पूरा डिटेलिंग में अपना जो भी है कंप्लेंट है वो दर्ज करा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।